जब ये घोटाला शुरू हुआ था, इस पे बातचीत, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी इस तथाकथित घोटाले पे, तब वो कहते थे कि 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहने लगे कि नहीं नहीं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर कहने लगे नहीं नहीं 300 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहा 50 करोड़ का घोटाला हुआ। अब ये कह रहे हैं 3 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहेंगे कि संजय सिंह जी की जेब में 200 रुपए मौजूद थे जब उनका अरेस्ट हुआ, 200 रुपए का घोटाला हुआ है, 200 रुपए के घोटाले पे केस करेंगे। मैं तो ईडी को सीबीआई को चैलेंज कर रही हूं कि आप 1 रुपए के भी घोटाले का सबूत देश के सामने रख के दिखा दो, नहीं तो सारी ईडी सीबीआई के अफसरों को मैं कह रही हूं कि आप इस्तीफा दे दो और सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता 10,000 करोड़ से 200 रुपए में आए हैं पिछले 1.5 साल में, वो सब भी अपने अपने पद से इस्तीफा दे दें।